शिया क्या बना रही है? शिया गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, नमस्ते। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। मैं तो यहाँ पराठा बना रही हूँ सुबह सुबह। यस, पराठा। हाँ, मतलब रोटी ही सोचे थे बनाने के लिए, लेकिन सब्जी ऐसा वाला सब्जी है ना कि उसके साथ पराठा या पूरी ही अच्छा लगता है, तो इसलिए। ओके, आपके लिए पराठा, मेरे लिए दिखाता हूँ। मेरे लिए क्या है? मेरे लिए उपमा। देखिए कितना डिफरेंस कर रही है। अच्छा, आपका कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है ना, तो क्या करूँ? डॉक्टर बोला है कि एकदम वैसा ही खाना देने के लिए, तो इस टाइम में इसीलिए मजा ले रहे हैं। ले लो ले लो, कितना दिन लेते हैं? मैं फॉलो की हूँ आपके साथ साथ ना, मैं भी खा रही हूँ, बट एक एक टाइम में नहीं हो पा रहा है। तो मैं चलो अभी अभी पराठा खा लूंगी, दोपहर में आपका वाला जैसा खाना खाऊंगी। ओके, क्या क्या? अंडा, अंडा देके खुश हो रहा है वो। अंडा चेतु, ये अपना एग देख के खुश हुआ है, ये देख के खुश हुआ है। पास ही बैठ के खाना, देख रहे हैं? उधर ही बैठना, मम्मा काम कर रही, उधर ही बैठना। चेतु क्या कर रहा है? एग, एग बोलो बेटा। यस यस, गुड बॉय। तो ये है आज का हमारा ब्रेकफास्ट। ये बैंगन, आलू और कैरेट का ना सब्जी है। ऐसा वाला सब्जी के साथ ना ये पराठा या पूरी ही अच्छा लगता है ना। बताना आप लोग किसको पसंद। ये है यहाँ पे सैलेड, थोड़ा सा ही ली हूँ, ज्यादा नहीं ली हूँ आज। तो मैं आप लोगों से मिल रही हूँ डायरेक्टली इवनिंग में। अभी टाइम हो रहा है 6 o'clock और बस सुबह से काम कर रहे थे ऑफिस का, तो उसमें बिजी थे। अभी थोड़ा सा वॉक किए, थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ वॉक करने के बाद, तो सोची थोड़ा सा ब्लॉग कंटिन्यू कर देती हूँ, है ना। एक्चुअली कल रात में ना हम लोग को बहुत लेट हो गया था, आई थिंक 12:30 के आसपास हो गया था। और रास्ते में तो ऐसा गंदा वाला नींद आ रहा था ना, ऐसे करके ऐसे सो रही थी फिर उठ जा रही थी, क्योंकि मोमेंट गाड़ी चला रहे थे और मोमेंट के बगल में ही मैं बैठी थी, तो जो भी बगल में बैठे होते उनको नींद आता ना, तो थोड़े जो चलाते रहते गाड़ी ना उनको भी नींद आने का ऑप्शन होता है, मतलब संभावना होता है, शुद्ध हिंदी में बोलूंगी तो संभावना होता है। तो मुझे बार बार डर लग रहा था कि अगर मैं सो गई ना तो फिर मोमेंट को भी कहीं नींद वींद आ गया तो हम लोग गए, तो इसलिए हल्का सा नींद आ रहा था फिर उठ जा रही थी, तो नींद करेक्ट से हो नहीं पाया। फिर घर आकर के सोए हैं तो उसके बाद भी चेतु बीच में उठता है तो वो नींद करेक्ट से नहीं हुआ, तो सुबह से ना एक लेजीनेस छाया हुआ था। तो मैं सोची थोड़ा वॉक कर लेती हूँ तो थोड़ा अच्छा लगेगा, और सच में अभी अच्छा लग रहा है। एंड मोमेंट का मैं नॉर्मल खाना क्यों उनको दे रही हूँ वो भी बताती हूँ, क्योंकि उनका चल रहा है आयुर्वेदा का एक ट्रीटमेंट जो कि गैस्ट्रिक रिलेटेड ट्रीटमेंट है, तो उसमें उनको ना थोड़ा कुछ दिन तक ऐसा नॉर्मल खाना खाना है, बिल्कुल चाय कॉफी कुछ नहीं पीना है, और ऐसा खाना खाना जो तुरंत डाइजेस्ट हो जाए, तो इस वजह से मैं उनको वैसे ही खाना दे रही थी। उनको सपोर्ट करने के लिए मैं भी एक दिन दो दिन खाई हूँ, वह तीसरे दिन ना मन हुआ कि थोड़ा सा तो कुछ खा ही लेती हूँ। एक्चुअली खुद का ट्रीटमेंट नहीं चलता होता ना, दूसरे का चलता तो थोड़ा सा लग जाता है, फिर भी मैं बार बार पानी के लिए बोल रही हूँ। और उनको स्ट्रिक्टली मना किया है कि आप बाहर ट्रैवल नहीं करेंगे, फिर भी हम लोग, आपको पता है कि कल चले गए थे बिकॉज राखी के शादी का साड़ी वगैरह परचेज करना था, तो वो भी इम्पोर्टेंट था तो इसलिए चले गए थे। बट आज भी देखिए साइट पे चले गए, बोले पास वाला साइट है, चलो वहां जा के आते हैं, थोड़ा सा क्या मिस्त्री वगैरह काम कर रहा है एक बार देख के आते हैं। तो मतलब रहा नहीं जाता है घर में, मैं कितना मेहनत से कितना डांट वाट करके क्या करूं, मतलब मन नहीं होता डांटने का, बट ऐसे करते है ना कि मतलब लगता है कि अगर मैं डांटूंगी नहीं ना तो ये काम होगा नहीं, ऐसा वाला ना हो जाता है। तो इस वजह से डांट डांट के नहीं, हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट, ऐसा बोल बोल के फिर भी मैं इतना खराब आ रही हूँ। फिर भी आप देख सकते हो कि इतना करने के बाद भी कैसे चले गए, बट आज तक तो इज ओके, बट कल से उनको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो मैं देखती हूँ करवा पाती हूँ कि नहीं करवा पाती हूँ, करवाना तो मुझे ही है वरना वो तो निकल जाएंगे, है ना, तो क्या करूँ।
तो बस यही सब है, बहुत ज्यादा टायर्डनेस हो गया। एक्चुअली क्या हो गया था ना, हम लोग परसों रात में निकले थे, वो भी 9 बजे निकले थे और 12:30 बजे तक पहुंचे थे घर, और फिर वापस उसी दिन 9 बजे फिर वापस निकले, फिर 12-1 बजे तक घर पहुंचे। तो ऐसा ना शेड्यूल थोड़ा वो हो गया, नींद का भी थोड़ा ये हो गया, तो इसलिए थोड़ा सा ना लेजीनेस जैसा हो रहा था। तो मुझे लगता है चेतु उठ गया, चेतु सो रहा था, उठ गया है, तो मैं उसको थोड़ा देख करके आती। क्या कर रही शिया? दही वड़ा बना रही हूँ, होली वाले दिन नहीं बना पाई थी ना, तो रखा हुआ था बैटर, तो सोची आज बना ही देती हूँ। अभी ये देख के हमको कुछ लग रहा है शिया। क्या लग रहा है मम्मी? ऐसे मतलब कुछ हो रहा है शिया आपको? क्या हो रहा है? देखो चेतु मेरा बैठा कितना अच्छे से, ऐसा लग रहा है ये पूरा हम ही खा ले हो। अभी आपका चल रहा है ना, नहीं खा सकते चेतु पापा, नहीं खा सकते बेटा, हम लोग ही खाएंगे सारा। यस हम लोग खाएंगे, पापा नो, पापा नो, पापा नो। ये भी अब मेरा फेवरेट है करना। क्या करिए, क्या करिएगा, सोचिए हम लोग खाते हैं, ठीक है, उसे देख के खुश होइए, ठीक है। ये नहीं खा पाएगी ना? खा लेंगे हम लोग पूरा, हम लोग क्यों नहीं खाएंगे, पूरा पूरा खाएंगे, मजे में खाएंगे। मैं सोचा थोड़ा रखेगी तो फ्रिज में। चेतु अभी खाने वाला नहीं है बेटा, अभी खाने का नहीं है, इसको दही में डालेंगे, उसके बाद मसाला डालेंगे, उसके बाद मुंह के अंदर डालेंगे, गॉट इट? से खा रहा है, लो देखो कैसा लग रहा है, अच्छा नहीं लगेगा। हम बोले अच्छा नहीं लगेगा तो तुम खाना था, कुछ भी कर रहा है, इसका एक्टिव टेस्ट कैसा है इसका। नहीं खा बेटू है, उसको मम्मा इसमें डालेगी, उसके बाद खाएंगे, ओके? तो ये हमारा बन रहा है दही वाड़ा, होली खत्म हो गया और अब बन रहा है दही वाड़ा हमारा। What a balance, beta! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes! Chadu! Chadu, wow! Bolo, wow, mama! Wow, mama! Wow, mama! Wow, mama! Wow, mama! Yes! ऐसे करके ही खड़ा, मतलब हैंड भी ऐसे करके रखा है, वेरी गुड बेटा। चलो नहीं करना, गिर जाएगा बेटा, वैसे सीधा रहो, स्ट्रेच रहो, स्ट्रेच 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 आ जाओ, आ जाओ, पापा चलो। तो चेतु के साथ मस्ती करने के बाद अभी आ गई हूँ मैं अपना ब्रेकफास्ट करने, और आज ब्रेकफास्ट में मैं खा रही हूँ पपाया। ओ यस, मारो मारो मामा मारी, 1, 2, 3, 4, फिर से 1, 2, 3, 4, तो ये मैं बना रही हूँ आज अपने लंच में, ये कुकुम्बर के फैमिली का ही है, इसे क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, बट थोड़ा बड़ा सा आता है, तो इसको कट करके मैं कद्दूकस कर रही हूँ। और आज जो डे है ना, आज है हेल्दी डे हमारे घर में, तो सुबह आप देखे ये मैं ब्रेकफास्ट में करी हूँ पपाया,
ब्रेकफास्ट की हूँ पपाया का, और लंच में ये बना रही हूँ। ये एक चीला बना रही हूँ जो आप देख सकते हो मैं कैसे बना रही हूँ। बहुत हेल्दी है, बहुत हेल्दी है, और आप अपने घर में ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। और आफ्टरनून के टाइम में भी कर सकते हैं और सुबह में भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी वो नहीं है, और रात में भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। हेल्दी चीज़ें तो आप कभी भी खा सकते हो। तो आज मैं दोपहर में ये वाला बना रही हूँ, तो साथ में सभी वेजिटेबल्स जो है ना, जो मेरे पास अवेलेबल है अभी, वो सारे कट करके इसमें डालूंगी। जैसे कि उसको तो कद्दूकस कर ही ली, उसके बाद गाजर को भी कद्दूकस कर ली हूँ, और यहाँ पे ना ग्रीन चिली को भी कट करके डाल रही हूँ। इवन दो चेतु भी खाएगा, बट ये जो ग्रीन चिली है ना उतना ज़्यादा तीखा वाला नहीं है, तो इसलिए इसको बहुत छोटे 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 काट रही हूँ, ताकि वो खा भी लेना तो उसको पता ना चले। उसका हैबिट भी लगाना है, ताकि वो मतलब चिल्ली को इतना अवॉइड ना करे, सभी चीज़ खाए। तो थोड़ा थोड़ा ना उसके फूड में डालना ज़रूरी भी होता है। थोड़ा सा मैं धनिया कट कर ली हूँ, थोड़ा प्याज कट कर रही हूँ, बहुत छोटा छोटा, जितना आप छोटा कट कर सकते हैं उतना कट करना है। प्याज को पीसना नहीं है, सिर्फ कट करना है। तो जितना बारीक आप कट कर सकते हो ना उतना कर लो। तो प्याज और मिर्ची थोड़ा कंपलसरी हो जाता है, धनिया पत्ता, बाकी तो आपको जो डालना है वो डालिए। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल रही हूँ, थोड़ा चावल का आटा डाली हूँ इसमें, और अजवाइन, और साथ में कलौंजी डाल रही हूँ। ये कलौंजी और अजवाइन का जो फ्लेवर आता है ना, वो मुझे किसी भी चीला में आप डाल के दे दो, मुझे अच्छा लगेगा खाने में, तो मैं हर में डालती हूँ। तो थोड़ा सा मैं सोची इसमें बेसन भी डाल देती हूँ, क्योंकि बेसन तो हाई प्रोटीन होता ही है, सबको पता है। तो थोड़ा सा बाइंडिंग होने के लिए ना थोड़ा सा चावल का आटा और बेसन डाल दी हूँ। और चलिए फिर अब इसको बनाते हैं। मैं सोडा वगैरह बिल्कुल नहीं डाली हूँ, और तवा पे हल्का सा तेल डाल के हैंड से ही इसको स्प्रेड कर रही हूँ। बहुत पतला नहीं चाहिए, बहुत मोटा भी नहीं चाहिए, तो हैंड से ना बहुत अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा, तो इसी से स्प्रेड कर रही हूँ। फटाफट बनाते हैं और खाते हैं चटनी के साथ। आप इसको खा सकते हैं किसी भी चीज़ के साथ, मतलब जो भी आपका, आप सब्जी भी बनाए हो तो उसके साथ भी खा सकते हो, बट जनरली चटनी के साथ खाते हैं। तो चटनी धनिया का चटनी बनाई थी, तो उसके साथ खाऊंगी। आप सॉस के साथ खा सकते हैं, बेटर हो अगर घर का बना हुआ सॉस हो। इमली की चटनी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। इवन कोकोनट के चटनी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप इस सब के साथ ट्राई कर सकते हो, बाकी ऑप्शंस तो बहुत है, आप किसी भी चीज़ के साथ ट्राई कर सकते हो। तो चलिए फिर यही बनाते हैं और लंच करते हैं, और इसी के साथ आज के ब्लॉग का करते हैं एंड। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से। टिल देन अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, सारा एंजॉय कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ। और आप अगर अकेले हैं, कोई भी नहीं है आपके साथ इस टाइम पे, तो आप अपने साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। खुद को मिरर के सामने रखिए, ढेर सारी बातें कीजिए, जितना भी आपके मन में बात है ना वो सारी बातें कीजिए। गारंटी देती हूँ आपको बहुत रिलैक्स लगेगा। मुझे भी कभी कभी ऐसा होता है ना, जब लोग होते भी हैं तब भी आप हर चीज़ शेयर नहीं कर सकते सबके साथ, लेकिन खुद के साथ तो ज़रूर शेयर कर सकते हैं ना। तो बस मिरर के सामने बैठ जाती हूँ और जो भी बोलना होता है ना बोल देती हूँ, बहुत रिलैक्स फील होता है। ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो ये देखिए मेरा धनिया का चटनी इसके ऊपर डाल दी हूँ और जाती हूँ लंच करने के लिए। आप लोग भी अगर लंच टाइम में देख रहे हैं तो जाइए लंच कीजिए, एंड मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय।